हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए, हम ये प्यारी सी ड्रेस बना के लाए हैं और ये पीताम्बरी ड्रेस है, बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत इजी वे में आप ऐसी ड्रेस बना सकते हो और फेस्टिवल में और किसी में भी ठाकुर जी को पहना सकते हैं। पीताम्बर ड्रेस वैसे भी उनकी फेवरेट होती है। अब चलिए स्टार्ट करते बनाना और ये किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए आप बना सकते हो। तो देखिए, आज हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं, तो पीताम्बरी ड्रेस बना रहे हैं। उसके लिए हमने चोली बनाई है। आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए ऐसे बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये चोली हमने आपको मैं डिस्कशन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इधर साइड में आ गए हैं। अब यहाँ से हमें 1, 2, 3 चेन लेकर के यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, और फिर उसी में जाएंगे एक बार और बनाएंगे। तो फर्स्ट रो में हमें हर चेन में डबल डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार बनाया, फिर उसी जगह गए और वहाँ से फिर से पिक किया और एक बार और बनाया। तो ऐसे करके डबल क्रोशिया करके हम रो कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन में हमें दो दो बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। 1, 2, 3 थर्ड वाली चेन में ले जाके यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद हमें 1 चेन लेना है, 2 चेन लेना है, 3 चेन लेना है। 3 चेन लेकर के सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट लेंगे। ये नीचे जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है, इसी को पिक करना है। ऐसे करके पिक करेंगे, आगे से पिक करते हुए हमें ये यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट बना करके यहाँ पर हम जस्ट बगल में आएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम, ठीक है। फिर हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम इस वाले को पिक करेंगे, एक स्किप करेंगे, एक को पिक करेंगे क्योंकि हमने ऊपर बना लिया है। फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर उसके जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम पिक करेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जस्ट बगल में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 टाइम बनाएंगे। फिर उसके यहाँ नीचे आएंगे, इस ये नहीं बनाना है, इस वाले को पिक करना है और यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट पिक कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब यहाँ नहीं बनाना है, इस वाले को पिक करेंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे और जस्ट बगल में हम आएंगे और यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट पिक करेंगे और यहाँ पे इसको बना लेंगे। तो इस तरह से हमें रो कम्प्लीट करना है। देखिए, हमने यहाँ फ्रंट पोस्ट पिक किया। अब यहाँ नहीं बना के हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया 1 टाइम बनानी है। 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाई, यहाँ बनाने के बाद इसके नीचे ये नहीं बनाया, अब इसको हमें पिक करना है, यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, हमें क्या करना है, हम यहाँ से 1, 2, 3 थर्ड वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब 3 चेन लेना है, 1, 2 एंड 3। 3 चेन लेकर के पहले हमें ये फ्रंट पोस्ट पिक करना है, तो हम ये फ्रंट पोस्ट पिक करेंगे और पिक करने के बाद अब ये हमने जो सिंगल डबल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ पे हम डबल बार बनाएंगे 1 एंड 2। 2 टाइम बनाने के बाद अब फिर से फ्रंट पोस्ट पिक करेंगे और फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर देखिए, हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया हमें 2 बार बनानी है। एक बार हमने इसमें बनाई, एक बार हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो हमें ये थर्ड वाली लाइन में और 2 टाइम हमें डबल क्रोशिया बनानी है और एक एक बार हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये हमने डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाई, अब फ्रंट पोस्ट पिक करेंगे और फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ऐसे हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, हम लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे हमने देखिए फ्रंट पोस्ट बनाया है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाएंगे, 1
एंड ये डबल क्रोशिया को पिक करेंगे, यहाँ पे एक बार और बनाएंगे तो ये हमारी दो बार डबल क्रोशिया बनेगी। और 1 2 3 थर्ड वाली चेन में ले जाके हमें इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के यहाँ पे हमें सबसे पहले फ्रंट पोस्ट पिक करना है, और फ्रंट पोस्ट पिक करने के बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया हम 2 टाइम बनाएंगे। और 2 टाइम बना करके फिर से हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। वन एंड टू, टू करके हुए हमें ये फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो इसमें हमने देखी यहाँ पे हमने तो जो फर्स्ट वाली रो थी डबल डबल बार की थी, फिर यहाँ पे 1 बनाया था, यहाँ पे 2 बनाया, तो इसमें भी हम 2 वाला बनाएंगे। 4 वाली रो में भी हम 2 इंक्रीज़ करेंगे, कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, 2 का 2 ही बना देंगे और ऐसे करके रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। हम लास्ट में आ गए तो हम 2-2 करके डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट किया है। 1 2 3 थर्ड वाली चेन में ले जाके हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के हमें यहाँ फ्रंट पोस्ट पे पहले ये फ्रंट पोस्ट पिक करना है। ये ऐसे करके फ्रंट पोस्ट ऐसे आगे हुक डालेंगे और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट पहले बना लेंगे। बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड इसी में एक और बना लेंगे, ये 3 हो जाएगी। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें फिर से फ्रंट पोस्ट पिक करना है। तो ऐसे फ्रंट पोस्ट पिक किया तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 बनाने के बाद हमें फ्रंट पोस्ट पिक करना है और फ्रंट पोस्ट बना लेना है। तो इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। हर इसमें 1 1 इंक्रीज करेंगे, यहाँ 2 बना रहे थे, यहाँ पे हम 3 करके ये इंक्रीज करते हुए हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें एक रो हमने और बना ली थी, हम यहाँ पे 3 हमने डबल क्रोशिया बनाई थी, अब इसमें एक और 3 बार हमने डबल इंक्रीज नहीं किया है, 3 का ही 3 एक बार और बना लिया है। और 1 2 3 थर्ड में जाएंगे और यहाँ पे ले जाके हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, दूसरा थ्रेड ऐड करेंगे और ये वाले थ्रेड को हमें कट कर लेना है। तो ये हम थ्रेड को येलो वाले थ्रेड को पहले से ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया, अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। तो 1 2 एंड 3, 3 तो हुई हमारी डबल क्रोशिया, ठीक है, और हम 2 चेन और लेंगे, 1 एंड 2। 2 चेन लेकर के 1 स्किप करेंगे और सेकंड वाले में जाएंगे और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हमने 3 चेन ली, 2 चेन और लिया, तो ये हमारी 5 हमने चेन लेकर के, तो हमारी डबल क्रोशिया काउंट हुई, फिर 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाई। अब हम फिर से 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर देखिए हम 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेकर के 1 स्किप करेंगे, सेकंड वाले में जाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। हम 1 2 चेन लेकर के हमें 1 स्किप करना है, सेकंड वाले में जाकर के हमें ये डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम ऐसे करके रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे और 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर के 1 2 3 थर्ड वाली चेन में ले जाके हमें यहाँ पे इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे एंड 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे ऐसे ले जाते हुए हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम वर्क को टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद 1 चेन लेना है, 2 चेन लेना है एंड 3 चेन लेना है। 3 चेन लेकर के ये जो चेन हमने बनाई है इसी में हमें वर्क करना है। तो इसमें हम ये 3 चेन हमने ले ली, अब यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया और बनानी, तो ये हमारी 5 हो जाएगी
चेन मिला के 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 4 हमने बनाई और ये 3 चेन थी, 5 हो गई। अब हम टर्न होंगे, टर्न होके हम सीधा आएंगे, ठीक है। सीधा आने के बाद जो हमारे ये वर्क हमने किया है, इसी के नीचे जो डबल क्रोशिया है इस पे वर्क करना है। लूप लेंगे, लूप लेकर के सीधे हमें इसको, ये वाली क्रोशिया को पिक करना है। पिक करके हम यहाँ पे अब फिर से 5 टाइम बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 टाइम बनाने के बाद अब हमें देखिए, हम फिर से इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ आना है और यहाँ पे हम इसको डबल क्रोशिया पे इसके ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा ये टेढ़ा सा देखिए बहुत सुंदर सा कली जैसी बन गई। अब फिर से हम यहाँ पे 1, 2 एंड 3 एंड 4 लिया। 4 लेने के बाद अब हमें फिर से डबल क्रोशिया पिक करनी है। तो इस वाली डबल क्रोशिया पे हमें स्लिप स्टिच करके इसको पहले ज्वाइन करना होगा। ये ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद वर्क को टर्न करेंगे, टर्न करके हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 एंड 3। 3 चेन लेकर के ये वाली चेन जो हमने बनाई है इसी में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन मिला के हमारी ये 5 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। तो ये 4 ये बनाया, 4 बनाने के बाद ये 3 चेन है तो ये हमारी 5 हो गई। अब वर्क को हम टर्न करेंगे। अब टर्न होने के बाद हमें ये देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पे इस वर्क करना है। फिर से हम इसको लेंगे तो ये हमें ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और ये वाली को पिक कर लेना है और यहाँ से फिर से लूप लेकर के हम 5 टाइम बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 टाइम बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके अब देखिए हमें फिर से जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ आएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच से यूं करके ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी ऐसे कली कली जैसी बन गई, ठीक है। फिर से हम यहाँ से देखिए 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे एंड 4। 4 चेन लेकर के हमें यहाँ पे इस वाली डबल क्रोशिया पे ऐसे लाना है और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है। अब हमें सिंगल स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारी ये 5 काउंट होगी, 1, 2, 3 चेन मिला के 2 और ये 3, 4 एंड ये 5। 5 करने के बाद अब हम वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हमें ये जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया इसी के नीचे वाली डबल क्रोशिया को पिक करना है और पिक करके यहाँ पे हमें वर्क करना है। डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 टाइम यहाँ बनाना है, 5 टाइम बैक में ही बनाना है। अब बनाने के बाद अब देखिए हम डबल क्रोशिया पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पूरा बना लेना है, बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कम्प्लीट कर लिया है। अब इसको हमें इसमें ये बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हम देखिए यहाँ से लेंगे तो ये आर्म होल है, आर्म होल के साइड से लेना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करनी है।
तो यहाँ पे हमें डबल डबल बार सिंगल क्रोशिया करनी है। तो ये देखिए, हम ऐसे यहाँ सिंगल क्रोशिया टू टाइम बनाया, फिर यहाँ मिड में आएंगे डबल क्रोशिया के, उसमें हमें टू टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। और फिर देखिए, हम ये डबल क्रोशिया के मिड में जो होल होता है वहाँ पे बनाएंगे, तो वहाँ पे भी हम टू टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे सिंगल सिंगल क्रोशिया करके हमें ऊपर तक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो हम ऐसे करके पहले ऊपर तक आएंगे, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, हम ये ऊपर आ गए, यहाँ पे हम वन चेन लेंगे। वन चेन लेकर के उसी जगह जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया टू टाइम बनाया है वहीं पे एक बार और बना लेंगे, तो हमारा ऐसे घूम जाएगा। अब वन स्किप करके यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया दो बार करनी है। तो नेक पे हम वन स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशिया हमें कंप्लीट करनी रहेगी। वन स्किप किया, फिर जस्ट बगल में आए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया दो बार किया, फिर वन स्किप किया सेकंड वाले में, फिर जस्ट बगल में आए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया दो बार किया। तो इस ऐसे हमें ये कंप्लीट करना है। तो पूरा हम गले का राउंड लेके और दूसरी साइड का भी हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हम ये सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं वन स्किप करके, तो ये नेक पे पूरा कंप्लीट करेंगे और ऐसे करके ये हम पूरा करते हुए नीचे आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने ये नेक पे कंप्लीट कर लिया है पूरा ऐसे करके। ये देखिए, हम दोनों साइड से आ गए। अब आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल के लिए हमें ये देखिए आर्म होल के उससे लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया करनी है। तो जैसे हम नेक में कर रहे थे वन स्किप कर रहे थे, वैसे यहाँ भी वन स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशिया टू टाइम बनाना है। तो वन टू टाइम सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर वन स्किप करेंगे, फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया टू टाइम बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, हम वन स्किप कर रहे हैं और जस्ट बगल में आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया टू टाइम करेंगे, वन एंड उसी में चेन में जाएंगे टू, फिर वन स्किप करना है और फिर सिंगल क्रोशिया टू टाइम करना है। तो इसी तरह से हमें दूसरी भी स्लीव कंप्लीट करनी है। तो हम ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिए, हम यहाँ पर वन स्किप करके फिर से सिंगल क्रोशिया टू टाइम करेंगे, थ्रेड को कट करके फिर हमें सेव कर लेना, वन चेन लेना है फिर थ्रेड को कट करके हमें इसको सेव कर लेना है। तो हम इसको कट करके सेव कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमने ये फ्लावर बनाए हैं और ये इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और बहुत ब्यूटीफुल ये फ्लावर है। जैसे हमने ये ड्रेस का बॉर्डर बनाया, सेम प्रोसेस से ये फ्लावर भी बना है और बहुत ही सुंदर ये फ्लावर लग रहा है। इसको हमें सेट करना है। आप किसी भी तरह से इसको सेट करके इसको अटैच कर सकते हो। तो हम देखिए, इसको एक आगे और पीछे एक साइड साइड में लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो हॉट ग्लू से इसको पेस्ट भी कर सकते हो, और लेकिन इसको सुई की हेल्प से सिलने से ये निकलेगा नहीं। तो हम इसको सुई की हेल्प से इसको टक करेंगे, जिससे ये हमारा निकलेगा नहीं जब हम वॉश करेंगे। तो इसको हम देखें सुई की हेल्प से। तो देखिए, हमें यहाँ पे ऐसे सुई को पीछे से ऐसे पकड़े रहना है और दबाते हुए हमें इस सुई की हेल्प से हम इसको टक लगाएंगे। और इतना ऐसा लगाना है जैसे ये हमारा खुले नहीं, और पूरा ये हम वॉश करें तो ये पूरा
परफेक्ट इसमें जैसे टक हो जाए। ठीक है, तो हम इसको लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पूरे पेस्ट कर लेंगे, इसमें इसको अटैच कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से ये पीताम्बर ड्रेस कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है जैसे आप देख रहे हो। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जैसे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।